15 अगस्त 2023 को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक योजना की घोषणा की गई थी। योजना का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अगर कोई बात लाल किले से कही गई होगी, आप समझ सकते हैं उसका मतलब कितनी बड़ी योजना होने वाली है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे कामगारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अब ये छोटे कामगार कौन है? जैसे कोई कुम्हार हो गया, नाई हो गया, मोची, राजमिस्त्री, सुनार या लोहार या सिलाई का काम अगर कोई जानता है, जैसे बहुत सारी महिलाएं घर पे सिलाई करती है, तो वो भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकती है। योजना बहुत बड़ी है और बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाले है, इसलिए मैंने ये अलग से वीडियो बनाई है। योजना को आपको कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर मैं तो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि इस योजना के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकता है और क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और इस योजना से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वेबसाइट में आने के बाद हमको अबाउट स्कीम वाला ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको तीसरे नंबर पर ऑप्शन मिलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग इस योजना को अप्लाई कर सकता है। इस योजना को अप्लाई करने के लिए आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। कोई भी महिला या पुरुष इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। इस योजना का फॉर्म भरने के लिए आपको किसी भी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तब भी आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या सरकारी नौकरी करते हैं तो आप इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। या इसके रिलेटेड अगर आप किसी और योजना का लाभ ले रहे हैं, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, तो तब भी आप इस योजना को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट आपके पास केवल आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि बैंक अकाउंट में ही आपको लाभ मिलने वाला है। अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कौन कौन से काम इस योजना में आते हैं जिनके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ पर दोबारा आएंगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा एलिजिबिलिटी ट्रेड, यानी आप क्या काम करते हैं उसी के लिए यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको अलग अलग काम देखने के लिए मिलेंगे, धोबी का काम है, मोची का काम है, सुनार का है, लोहार का है, बहुत सारे यहाँ पर आपको काम मिल जाएंगे, सिलाई मशीन का है, राजमिस्त्री का काम है, बढ़ाई का काम है, यानी वे लोग जो छोटे मोटे काम करते हैं, अपना घर चलाते हैं, वो लोग इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी पर्टिकुलर काम नहीं करते हैं लेकिन इनके रिलेटेड आप मजदूरी टाइप का कोई काम करते हैं तो तब भी आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक हमने दो चीजों को जाना है, एक तो हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं और दूसरा इस योजना के बारे में थोड़ा सा जाना है और कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा रह जाता है कि इस योजना को अप्लाई करने के बाद हमें मिलने क्या वाला है, क्यों हम इसको अप्लाई करें, हमारा क्या बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ से कट करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में आएंगे, स्कीम बेनिफिट वाला, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको भरमार बेनिफिट मिल जाएंगे, बहुत सारे फायदे होंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसी योजना नहीं है केंद्र सरकार की जिसमें आपको इतने ज्यादा फायदे दिए जाते हो। इसमें सबसे पहले आपका फायदा ये होने वाला है, अगर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक ऑथेंटिक आईडी कार्ड दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे ये पता लगेगा कि आप क्या काम करते हैं। इसके अलावा अगर भविष्य में भी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की कोई योजना आती है आपके काम के रिलेटेड तो आपको उसका डायरेक्ट लाभ दे दिया जाएगा। तो पहला फायदा तो ये है, आपको आईडी कार्ड मिलेगा और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा फायदा क्या है, जब आप इस योजना के लिए अप्लाई कर देंगे तो आपको फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी 7 से 15 दिन की। ट्रेनिंग में आपको आपके काम के बारे में एक्सपर्ट लोगों द्वारा सिखाया जाएगा और सीखते टाइम यहाँ पर आपको पैसे भी मिलेंगे। मान लो आप 15 दिन की आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो 15 दिन तक आपको ₹500 डेली गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका बेनिफिट क्या है, योजना को अप्लाई करने के बाद जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद ₹15,000 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे और ये बैंक अकाउंट में जो पैसे आएंगे इसको आपको रिटर्न करने की या रिफंड करने की जरूरत नहीं है, ये पैसे आपके होंगे बिल्कुल फ्री में। इन पैसों को आप अपने काम को बढ़ाने में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद चौथा बेनिफिट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप अपने काम को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, बैंक की तरफ से आपको ₹2,00,000 तक का लोन दिया जाएगा, वो भी बिना किसी गारंटी के। आपको किसी गारंटर या किसी डॉक्यूमेंट की या किसी घर के कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बैंक को सिलेक्ट करेंगे, बैंक की तरफ से आपको ₹2,00,000 तक का लोन दिया जाएगा और वो भी केवल 5% सालाना ब्याज से। इसके अलावा पांच और सबसे यूनिक जो बेनिफिट मुझे यहाँ पर लगा है, आपको पर डिजिटल ट्रांजेक्शन पर ₹1 दिया जाएगा। अगर आप 100 ट्रांजेक्शन मंथली करते हैं अपनी UPI से या ऑनलाइन,
तो आपको हर ट्रांजेक्शन का 1 रुपया आपके बैंक अकाउंट में आएगा। इसके अलावा यहाँ पर छठा बेनिफिट क्या मिलने वाला है, अगर आपने अपने काम को स्टेबल कर लिया है, जो लोन लिया है आपने उसे अपने काम में लगा लिया है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने काम को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेकर जाऊं, ऑनलाइन उसे कैसे लेकर जाऊं, तो यहाँ पर आपको मार्केटिंग सपोर्ट भी दी जाएगी। आप अपने काम को ऑनलाइन कैसे लेकर जा सकते हैं, उसका एड कैसे कर सकते हैं, उसका प्रचार कैसे कर सकते हैं, सभी तरह की आपको मार्केटिंग सपोर्ट भी दी जाएगी। तो दोस्तों यही कुछ बेनिफिट थे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।